खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। कंप्यूटर बाबा ने किया भाजपा पर पलटवार, कहा भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर क्यों ना भारतीय जलील पार्टी कर दिया जाए। राजगढ़ में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री यादव के बयान का उदाहरण दिया। कांग्रेस पर संबित पात्रा ने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का आरोप लगाया था, जिस पर बाबा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से पूछा, आप बता दो कि गुजरात गोधरा कांड क्या था। इसका जवाब हम दे देंगे कि कांग्रेस किसकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और कांग्रेस का नाम बदल कर मुस्लिम लीग कांग्रेस नया नाम दे दिया। इस पर कंप्यूटर बाबा ने पलटवार करते हुए बोला, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल कर क्यों ना भारतीय जलील पार्टी कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने राजगढ़ में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री यादव के बयान का उदाहरण दिया। कांग्रेस पर संबित पात्रा ने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का आरोप लगाया था। इस पर बाबा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से पूछा, आप बता दो कि गुजरात गोधरा कांड क्या था। इसका जवाब हम दे देंगे कि कांग्रेस किसकी पार्टी है। देखिए, संबित पात्रा ने जो कहा, मुस्लिम लीग कांग्रेस MLC कह रहे हैं, तो क्यों ना भाजपा का नाम बदल कर भारतीय जलील पार्टी रख दिया जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, उसका उदाहरण आज राजगढ़ की रैली का है। पूर्व भाजपा राज्य मंत्री श्री यादव के बेहद शर्मनाक बयान को देख लें, पूरी जनता इस बात को समझ रही है। और उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की राजनीति करें, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहूंगा और माननीय अमित शाह जी कहना चाहूंगा कि वो गोधरा कांड के अर्थ बता दें। गोधरा कांड गुजरात का जो हाल हुआ था वो बता दें, तो मैं इसका उदाहरण दे दूंगा आपको कि मुस्लिम पार्टी है कि नहीं है। ये पहले वो बताएं, उस कांड के बारे में वो जानकारी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।